चिल्ड्रन टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, हमने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पढ़ी है इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको बोर थ्योरी और बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और अब हम इसमें ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एनर्जी और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के का रिलेशन हम बताते हैं। देखिए कैसे बताते हैं, हमने बोर थ्योरी से पढ़ा है। जो अगर हम ईएन की वैल्यू लेते हैं तो ये आता था आपका -13.6 Z² / N² और किस में आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करते हैं फॉर एच एटम, देन इट बिकम्स E = -13.6 / N² बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1। दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन की nth स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी है। और एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अगर हाइड्रोजन एटम लेना है हमें, तो हम यहां लिख देते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। यहां से अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में N = बताओ कितना है? 1। तो E1 कितना आएगा? -13.6 / 1² इट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बताइए कितना होगा? सेकेंड ऑर्बिट N = कितना है? 2। और बताइए सेकेंड ऑर्बिट में कितना आएगा? √2² आएगा। -13.62² कितना है? 4 है। और कितना आएगा यहां पर? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा बच्चों। ठीक है, 3.4, 4 × 3 = 12, 1 × 4 = 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर थर्ड ऑर्बिट लेंगे, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए N = कितना आएगा? 3 आएगा, N = 3। और अगर N = 3 आता है तो इसमें E3 ले सकते हैं, -13.6 / 3² ये ले सकते हो बच्चों। और ये आएगा -13.6 / 9। और जब यहां से आप सॉल्व करेंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ओके। और फिर हम फोर्थ ऑर्बिट का निकालेंगे इसी तरह से। फोर्थ ऑर्बिट N = 4, देन E4 = -13.6 / 4² इट कम्स अबाउट 13 / 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके देखना बच्चों, ठीक है। 16 × 8 = 128, 8 बजेगा 16 × 5 = 80। और इसके बाद में आप यहां से फिफ्थ ऑर्बिट के लिए भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ ऑर्बिट में N = 5 एंड देन E5 कम्स अबाउट -13.6 / 5² -13.6 / 25 और ये आएगा -0.5 110 और ये आएगा ऑलमोस्ट ये आएगा 15 25 ले रहे हैं और यहां बचेगा 11 110 25, हाँ ठीक है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद माइनस है। और ये नेगेटिव क्यों आती है बच्चों? जितनी भी ऑर्बिट की एनर्जी है सब जगह नेगेटिव, हमने बताया था। क्या शो करता है? बाउंड सिस्टम शो करता है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? इट शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल रिलेशन होगा, इसी को हम फिगर में कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये सब एनर्जी के की वैल्यू आ गई। कैसे करेंगे? देखिए, इधर तो सबसे पहले क्या ले लो? एनर्जी ले लो बच्चों। इधर तो ले रहे हैं एनर्जी, ये हमने एनर्जी ले ली। और किस में ले ली? हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले ली। देखो कहां से स्टार्ट हुई है। अगर हम इसमें एन इन्फिनिटी लेंगे, N = इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में, इसलिए मिनिमम कह रहे हैं हम। और 0 अगर आएगी इन्फिनिटी कोरस्पॉन्डिंग, तो कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो 0 और -13.6 के बीच में ग्राफ बनेगा। तो हम अगर यहां से स्टार्ट कर दें, ये 0 ले लें, फिर यहां से -1 ले लेते हैं, -2 -3 और -4, और इस तरह से यहां -14 तक आ जाएगा, ठीक है। बीच में -5 -6 -7 -8 ये सब होते चले जाएंगे। ये -5 होगा -6 होगा -7 और इस तरह से -8 -9 -10 -11 -12 और -13 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सारा आपका इसमें ऑर्बिट दिखाते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू बताइए कितनी है, और वो वैल्यू हमारी ये 12 के बाद में 13 और ये हमने मान लीजिए 14 लिया है, -13 और दिस इज -14। बताइए
एन यू इक्वल टू वन, कितनी वैल्यू है हमारी 13.6, तो पहला आएगा 13.6 ऑलमोस्ट यहां आएगा, दिस इज एन इक्वल टू वन, और वैल्यू लिख देते हैं कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एन इज इक्वल टू वन, दिस लाइन, दीज आर द पैरेलल लाइंस, इन दिस डायग्राम वी हैव ड्रॉन द पैरेलल लाइंस कोरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि एन इज इक्वल टू वन में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एन इज इक्वल टू टू में बताइए कितनी है -3.4, -3.4 कहां पर आएगा, ये 3.5 थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, दिस इज एन इज इक्वल टू टू और ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि ये दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट द एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोरेस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल टू 3 इट इज -1.5, अगर हम 1.5 ये ले रहे हैं बच्चों, दिस इज एन इज इक्वल टू 3, उसके बाद में -1.51, उसके बाद में 0.85 यहां लाई करेगी, एन इज इक्वल टू कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट हो गया, देखो ये -1 है, ये 0 है, यहाँ 5.5 अप्रोक्सीमेट यहाँ आ जाएगा -0.85, उसके बाद -51.51, ये एक और लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज एन इज इक्वल टू 5, और कितना आया ये -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए पहला गैप सबसे ज्यादा, उसके बाद एनर्जी का डिफरेंस और कम, तो यानी कि गैप ये कम होता जा रहा है बच्चों, और यहां से फिर नेक्स्ट लेवल ये आएगा, अब बहुत पास पास होते चले जाएंगे ये लेवल्स, ये पास पास, और लास्ट जो लेवल आएगा वो आपका यहाँ एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है, 0 है, और बीच में बड़े पास पास लेवल आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का है, उससे कम डिफरेंस सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में है, उससे कम डिफरेंस थर्ड और फोर्थ में है, और कम डिफरेंस किस में है, फोर्थ और फिफ्थ में है। तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते जाएंगे, तो किसी भी दो ऑर्बिट के बीच की जो एनर्जी होगी का डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन का, वो काफी कम होगा, और सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन एन इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 2, ओके। और इसमें हम ट्रांजिशन भी दिखा सकते हैं, हमने 5 सीरीज पढ़ी थी इसमें, लाइमन सीरीज, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फोर्ड। लाइमन सीरीज क्या पढ़ी थी, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, देखिए एन इज इक्वल टू 2 टू एन इज इक्वल टू 1, फिर देखिए एन इज इक्वल टू 3 से, एन इज इक्वल टू 4 से, एन इज इक्वल टू 5 से, एंड सो ऑन, कौन सी सीरीज आएगी, दिस इज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज होता है। बामर सीरीज कौन सी होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, मींस थर्ड से सेकंड में आए, ये वाला जो ट्रांजिशन होगा कौन सी सीरीज बनेगी, ये बामर सीरीज बन जाएगी बच्चों। उसके बाद में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, एक और अगली सीरीज बनती है, स्पेक्ट्रल सीरीज जिसको कहते हैं, पाशन सीरीज। When electron jumps into fourth orbit from any outer orbit, ये सीरीज बनेगी इस तरह से बनेगी, ये बनेगी ब्रैकेट सीरीज, और एक फिर ये वाली बनेगी इससे अगले वाली, ये वाली सीरीज बनेगी जिसमें पीफंड सीरीज आप कहते हो, पीफंड सीरीज। तो n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन है फ्रॉम आउटर ऑर्बिट लाइमन सीरीज, n इज इक्वल टू 2 में है तो बामर सीरीज, n इज इक्वल टू 3 है तो पाशन, n इज इक्वल टू 4 है तो ब्रैकेट, और n इज इक्वल टू 5 है तो फिर पीफंड सीरीज, फोंड सीरीज कहते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिशन भी आप दिखा सकते हैं, और इस डायग्राम को कहते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। अब दोनों चीजें दिखा दी हमने, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ आपको स्पेक्ट्रल सीरीज भी शो करनी हो तो आप ये सीरीज शो कर सकते हैं, और अगर केवल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो फिर हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। इधर आएगा नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, और इधर क्या है पैरेलल, दैट इज एनर्जी। तो दिस इज अ डायग्राम इन विच द पैरेलल लाइंस शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी पर्टिकुलर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये पैरेलल लाइन उसको शो करेगी। इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट है और इधर क्या है, एनर्जी है, इस वाली लाइन पर इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट और इधर एनर्जी। तो हम इस डायग्राम से देख के बता सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से देख के बता सकते हैं सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से देख के बता सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स कहते हैं। वो स्टेज क्या है, देखो इसमें दो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसी तरह से एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल
एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर द फोर टर्म्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज फोर टर्म्स. देखो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस स्ट्रक्चर में ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, और इसमें देखिए एक्साइटेशन पहले वर्ड समझते हैं और आयोनाइजेशन का मीनिंग समझते हैं. एक्साइटेशन मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. जो आपका ग्राउंड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो हायर स्टेट में जंप कर जाता है, जैसे ये n इक्वल टू 1 है, हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट है, अगर इससे जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए या ऊपर चला जाए किसी भी ऑर्बिट में, तो ये जो स्टेट कहलाएंगे कौन से वाली स्टेट कहलाएंगे, एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे. एंड एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट द स्टेबल स्टेट्स. एक्साइटेड स्टेट हमेशा कैसी होती है, अनस्टेबल. ऐसे मान के चले कि किसी इंसान को उसके घर से बाहर निकाल दिया. अब घर से बाहर निकल गया वो, तो घर से बाहर जाने के बाद में जो बाहर की स्टेट होगी वो कैसी है उसकी, वो ग्राउंड स्टेट नहीं, एक्साइटेड है. द पर्सन विल ट्राई टू कम बैक टू द होम, फिर अपने घर में वापस आने की कोशिश करेगा. और जब वो वापस आएगा अपने घर में, ऐसी नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की है, जब ग्राउंड स्टेट से आपने किसी हायर एनर्जी स्टेट में भेज दिया तो इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द ग्राउंड स्टेट, और यहां से जितनी एनर्जी आपने दी है उसको एक्साइट करने के लिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी. इट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन और टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट. किसी भी अंदर वाले ऑर्बिट से किसी भी आउटर वाले ऑर्बिट में भेज देना, तो आउटर ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं. ये एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स. और जो ये कौन से स्टेट है, n इक्वल टू 1, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट. तो बच्चों n इक्वल टू 1 तो है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ये सब कैसी है, एक्साइटेड स्टेट्स है. Excited state. So the energy required to shift the electron from ground state to any excited state is called excitation energy. समझ आ गया? ये तो हो गया excitation energy. And this energy may be given by in different modes. अलग अलग मोड से दे सकते हैं. But if this energy is given by the electric potential, so the electric potential which provides the energy to the electron to excite from ground state to the excited state, then it is called excitation potential. अगर 5 volt का हमने potential apply किया किसी एक state से दूसरे state में भेजने के लिए, तो ये तो हो गया excitation potential, और 5 electron volt क्या हो गई, energy होगी, जिसे कहेंगे excitation energy. So when this energy is provided in the form of electric potential to the electron to jump from any ground state to the higher energy state or to excite the atom, that is called excitation energy, and the potential is called excitation potential. Bolo baat samajh aayi ki nahi? To what is excitation potential? Is the electric potential required to provide the energy to the electron to jump from ground state to excited state. Theek? और एनर्जी क्या हुआ, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज आपका सोडियम, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 2, 8, 1. अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया. तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसमें से सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन, यानी कि ये आयनाइजेशन हो गया. अगर हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, रिमूव कर दें, तो अब ये एटम नहीं रहेगा, क्या बनेगा, आयन बनेगा. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या, make to convert atom into ion is called ionization energy. अब इसको technically define करो, the energy required to outermost orbit electron from an atom is called ionization energy. भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का. सबसे पहले कौन सा जाएगा, सबसे बाहर वाला जाएगा ना, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर से. तो जब बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले छोड़ के जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो सोडियम आयन बन जाएगा, और जब सोडियम आयन बन जाएगा द एनर्जी जस्ट रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. और कहां जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सब्सटेंस में ही रहता है, क्योंकि ये जो आयन बने हैं ये आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. इसमें फर्दर अगर और एनर्जी प्रोवाइड कर दे,
जिससे कि सब्सटेंस से बाहर निकल जाए, उसको हमने कहा था वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ द सब्सटेंस से एस्केप करके बाहर चला जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी वो है, दैट इज द एनर्जी बाय वर्चू ऑफ व्हिच और ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये मतलब हुआ, ठीक है। तो ये एनर्जी कहलाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बिटवीन वर्क फंक्शन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहां से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, अगेन इफ दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच प्रोवाइड्स द एनर्जी टू एन एटम टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो हाउ कैन वी डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी to escape the electron from the outermost orbit of an atom. बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो इस तरह से फोर टर्म्स हो गई, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन। और फाइनली अगर हम कैलकुलेट करें, अगर किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजते हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव कर देते हैं, रिमूव का मतलब सब्सटेंस के अंदर रहता है, तो कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर सब्सटेंस से ही बाहर निकाल देते हैं तो उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कहते हैं। बात समझ आ गया। जैसे कॉपर है, मान लीजिए कॉपर में से कितना हो जाएगा, कॉपर में ये बनेगा, कॉपर आयन बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसमें से, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सब्सटेंस से बाहर निकालेंगे तो तब क्या कहेगा, वर्क फंक्शन कहेंगे। तो तीनों टर्म्स का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। एक्साइटेशन एनर्जी टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, वर्क फंक्शन टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सब्सटेंस डिस्पाइट द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द पॉजिटिव आयन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बच्चों, एक ये भी टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिए, कम टू नेक्स्ट नाउ। और बच्चों इसमें नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है जिसमें हम ये कहते हैं कि डी ब्रोगली ने पिछले उसमें पढ़ा था कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक ऐसा मूविंग मटेरियल पार्टिकल है जो वेव जनरेट करेगा, जो वेव को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो पीछे हम ये पढ़ के आए हैं जिसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव्स को जनरेट करता है, और पूरी बोर्ड थ्योरी में कहीं वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो इसमें तो वेव बताया नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जब सबसे पहले देखिए थॉमसन मॉडल के बाद जब रिजेक्ट होकर रदरफोर्ड मॉडल बना था, और जब रदरफोर्ड मॉडल बनने के बाद में ये प्रॉब्लम आई थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से एनर्जी को एमिट करेंगे, उनका रेडियस डिक्रीज करेगा और वो इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जो ऐसा नहीं होता था एक्सपेरिमेंट में, उसको जस्टिफाई किया, एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया, नील बोह ने किया। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली अगर कोई अजम्पशन है जिसको हम पोस्टुलेट कहते हैं, वो सेकंड पोस्टुलेट है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो कंडीशन बताई थी mvr equal to nh upon 2π, ठीक है, जब एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π हो जाता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। और इनको उन्होंने कहा था बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सारी बातें आप पीछे पढ़ के आ चुके, ठीक है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, कोई भी पर्टिकुलर अगर एटम ले लें, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को तो वेव को जनरेट करना चाहिए। ये और प्रॉब्लम आ गई कि डी ब्रोगली ने यही कहा था कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होगा तो वेव को जनरेट करेगा। कोई डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटोन मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव को जनरेट करेगा। अब ये तो कहीं बोर थ्योरी में वेव का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ये इसकी लिमिटेशन भी हो गई। बोर थ्योरी की देखिए दो लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हमने लिया लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। अभी हमने इसमें कई सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड है जो बोर ने नहीं बताई, रदरफोर्ड ने भी नहीं बताई थी, जो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम्स थी वो तो बोर ने सॉल्व कर दी। अब बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, जब से सबसे पहली कमी तो यही होगी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्लूडेड, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर इन द ऑर्बिट्स,
और इसमें तो है ही नहीं, जबकि वेव नेचर को डेमोस्ट्रेट करना चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो ये, फिर क्या करें भाई, दूसरे वाली प्रॉब्लम क्या है, दिस थ्योरी इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो चिल्ड्रेन, अगर हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं जिसमें ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं, जिसमें हम ऑर्बिट के अलावा स्पीड निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो बेस्ट रिजल्ट आते हैं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट आते हैं, वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स में ही आते हैं। ये जो हायर ऑर्बिट्स, जो हायर एलिमेंट्स हैं, उनमें ये रिजल्ट मैच नहीं करते, बहुत डिफरेंस आता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है। अब चलिए पहली लिमिटेशन की बात करते हैं, इस लिमिटेशन को किसने दूर किया। तो इसमें फिर वही साइंटिस्ट आए जो एक्सपर्ट थे, क्या बताने के लिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसे कहते हैं डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एटम बन गया, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इन्होंने कहा डी ब्रॉगली ने, तो देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स इन विच देर आर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और स्टैंडिंग वेव्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्या कहा देखिए इन्होंने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स, दोज ऑर्बिट्स, कौन से ऑर्बिट, इन विच देर आर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स, और कौन से वाली वेव बनती है बच्चों, इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनती है, स्टैंडिंग वेव क्लास 11 में पढ़ी थी आपने, वेव्स इन विच देर आर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स इन दैट ऑर्बिट, इन दैट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कोरस्पॉन्डिंग टू वन वन आपकी वेवलेंथ की बनेगी सिंगल, इसमें एन इज इक्वल टू टू में टू वेव्स बनेंगी, इसमें एन इज इक्वल टू थ्री में थ्री बनेंगी, थर्ड वेवलेंथ की बनेंगी, एन इज इक्वल टू फोर में फोर की बनेंगी, ये कंडीशन उन्होंने बताई। अब देखो ये कंडीशन बताने का मतलब, अगर इसका रेडियस आर है तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, फॉर एनथ ऑर्बिट बताइए कितना डिस्टेंस होगा, सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, टू पाई आर, और कितनी वेव्स बताई, एन लैम्डा बताई, और अगर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है तो देखो ये बात उन्होंने कही, ये कही डी ब्रॉगली ने, डेफिनेशन दी कि स्टेशनरी ऑर्बिट वो हो सकता है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई, और अगर ये सेटिस्फाई हो तो लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो हमने पढ़ा एच अपॉन एम भी होता है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, और एम वी को इधर ले जाइए, और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये तो यहाँ पढ़ी थी आपने, ये तो बोर ने बताई थी। अब नील बोर को, जिसको डी ब्रॉगली ने परेशान कर दिया था, डी ब्रॉगली ने कहा था कि ठीक है भाई नील बोर, आपने बहुत अच्छा एटम बताया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, एक बात हमारी भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है ये मासिव एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, और जब इसका मास है तो ऐसे केस में ये वेव को जनरेट करना चाहिए, वेव की थ्योरी तो आपने बताई नहीं थी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया। तो इसमें नील बोर ने कहा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई आई कांट एक्सप्लेन, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसी बात को फिर स्टडी किया और इसको डी ब्रॉगली ने बताया, डी ब्रॉगली ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, और जब डी ब्रॉगली का ये एक्सप्लेनेशन निकल के आया तो डी ब्रॉगली के एक्सप्लेनेशन से जो रिजल्ट आया वो तो कौन सा है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन आई। तो यानी कि नील बोर ने जो बात कही थी वही रिजल्ट किसको मैच करता था, किसको करता है, डी ब्रॉगली को करता है। तो डी ब्रॉगली और नील बोर दोनों का रिजल्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। So this is the derivation of Bohr's stationary orbit by the concept of de Broglie explanation. De Broglie ने wave nature को क्या किया, explain करके बताया बच्चों। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो जो कमी रह गई थी, किसमें कमी रह गई थी, इसमें बच्चों Bohr stationary orbit में, Bohr ने अपने तरीके से define किया। नील बोर ने कहा कि stationary orbit वो होगा जिसमें angular momentum integral multiple of h upon 2 pi होगा, और stationary का मतलब ये हुआ कि उसमें energy radiate नहीं करेगा, एक तरह से VIP इलेक्ट्रॉन्स हो गए, घूमते भी रहते हैं, एक्सलेट भी करते हैं और एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेंगे, जैसे VIP नहीं होते हैं, VIP आते हैं सरकारी गाड़ी में भी घूमेंगे और पैसे भी खर्च नहीं करेंगे,
अगर प्राइवेट आदमी को जाना पड़ेगा किसी सरकारी गाड़ी को, तो या किसी गाड़ी को लेके जाएगा तो उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो वीआईपी वाले हो गए। वीआईपी क्या हो गए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करेंगे और एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये कंडीशन है, ये किसने बताई थी? नील बोर ने। इसी बात को डी ब्रोकली ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन, उसने कहा कि वो घूमते भी हैं और वेव भी जनरेट करते हैं और वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है, लेकिन उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा, मींस उसमें जो वेव्स बनती हैं, कितनी वेव बनती है? इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव बनती है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 4 एन इक्वल टू 4, अगर फोर्थ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो किस तरह की वेव जनरेट करेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कितने वेव बननी चाहिए, 2 पाई आर किसके इक्वल होना चाहिए? 4 लैम्डा होना चाहिए कि नहीं? 2 पाई आर इक्वल टू 4 लैम्डा, यानी कि जो पूरी लेंथ है, सरकमफ्रेंस है, उसमें कितने वेव लेंथ बननी चाहिए? 4 लैम्डा बनना चाहिए। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, एक वेव लेंथ तो ये बन गया यहाँ तक, दूसरे वाला ये बन गया यहाँ तक, थर्ड वाला ये बनेगा और फोर्थ वाला ये बनेगा, और स्टैंडिंग वेव बनती है तो फिर ऐसे बनेगी, ये बन गया। और यहां से यहां तक बताओ क्या है? दिस इज लैम्डा। ठीक, यहां से यहां तक बताओ दिस इज लैम्डा। लैम्डा यही तो होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैम्डा कहलाता है। ये लैम्डा बाई टू, यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, और यहां से यहां तक कितना हो गया? लैम्डा हो गया। ऐसे ही एक लैम्डा ही हो गया यहां से यहां तक, और ऐसे एक लैम्डा ही हो गया यहां से यहां तक, तो कितना बन गया? 4 लैम्डा बन गया। बताओ तो फोर्थ ऑर्बिट में कितना बन गया? 4 लैम्डा बन गया। तो बच्चों जो इसमें प्रॉब्लम एक रह गई थी, कौन सी प्रॉब्लम रह गई थी जिसमें हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं किया था, वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गई। अभी वैसे तो फर्दर भी इसमें और बहुत सारी चीजें आई हैं इसमें, अभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी डिस्कस करना है, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बताने हैं, वो सब आगे की चीजें हमारे सिलेबस की नहीं है। तो लेकिन इसमें हमने यहाँ तक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में हमने रदरफोर्ड मॉडल, फिर हमने बोर्स मॉडल, और बोर मॉडल से पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में फाइनली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेशनरी ऑर्बिट बाई विच डी ब्रॉकली। ठीक है, एंड नाउ इट कम्प्लीट, ये पूरा हो जाता है।